सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि ऑप्शंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक ऑप्शन बायर को एक राइट मिलता है कोई भी स्पेसिफिक चीज को खरीदने की या बेचने की ऑन अ स्पेसिफिक डेट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ स्पेसिफिक प्राइस एज वेल। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि समझिए आपके पास अगर HDFC बैंक के कुछ शेयर है 1000 रुपए में और अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरने वाला है तो आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेस लर्निंग वीडियो। अब हम इस पूरी ऑप्शंस की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर ही किस तरह काम करता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि वहां पे एक था लैंड ओनर, ठीक है, और एक था लैंड बायर। ठीक है, अब ये तो हमने बात की कि लैंड बायर को लग रहा था कि लैंड के प्राइस ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए उसने इस ऑप्शन में एंटर किया जिससे इरिस्पेक्टिव ऑफ भाव कहीं भी जाए उसे एक प्राइस में खरीदने का मौका मिलता है। तो आप समझिए कि एक लैंड ओनर है, अगर उसको ऐसा लगता है कि यार शायद मेरे यहाँ पे मेरे एरिया के अराउंड एक नेगेटिव न्यूज है जो बहुत जल्द लीक होने वाली है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके भाव गिरने वाले, फॉर एग्जाम्पल उसकी लैंड के भाव अभी 5 लाख रुपए है, ठीक है, सेम एग्जाम्पल में, तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये भाव 1 लाख हो जाएंगे। तो जो लैंड ओनर है, आपको ऐसा नहीं लगता है, व्हाट इफ यू आर अ लैंड ओनर, क्या आपको ऐसी सेफ्टी नहीं चाहिए कि इन केस अगर ये न्यूज लीक हो जाए तो आई शुड बी प्रोटेक्टेड, करेक्ट? तो आप भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो किसी और के साथ जहां पे आप उसको ये बोलते हो, ठीक है, जहां पे उसको ये बोलते हो कि भाई मैं तुझे टोकन अमाउंट दे रहा हूं, अगेन लेट्स से 10,000 रुपए का, ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ पे, कि आगे जाके कुछ भी हो, ठीक है, आगे जाके भले भाव यू नो 4 लाख हो, 3 लाख हो, 2 लाख हो, तू तो मेरे साथ, ठीक है, तू तो मुझसे ये लैंड 5 लाख में खरीदेगा। मतलब भाव अब 6 महीने बाद 4 लाख जाए, 3 लाख जाए, 2 लाख जाए, 1 लाख जाए, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उससे तो ये लैंड 5 लाख में बेचने की एक राइट मिल चुकी है, ठीक है। तो अब आप इस पूरी स्टोरी को अगर इजीली समझना चाहोगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ये दो चीज के लिए बनते हैं। एक, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा जो अंडरलाइन एसेट है, यहाँ पे कौन है अंडरलाइन एसेट, जो हमने वहां पे देखा था शुगर केन है, यहाँ पे वो क्या है, लैंड, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि लैंड के भाव ऊपर जाने वाले हैं तो भी मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूँ टू सेफगार्ड माय सेल्फ। और अगर मुझे लगता है मेरा जो अंडरलाइन एसेट है जो है एक लैंड, अगर उसके भाव कम होने वाले हैं तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकता हूँ, करेक्ट? ये दीज टू पॉइंट्स आर प्रीटी मच क्लियर। उसी तरह स्टॉक मार्केट में दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन आपको राइट देता है, ठीक है, कॉल ऑप्शन आपको एक राइट देता है एक पर्टिकुलर चीज को खरीदने की एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑन अ फिक्स्ड टाइम, बिकॉज यू थिंक आगे जाके इसके भाव शायद 10 लाख हो जाए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं जिसके कारण मैं उस चीज को 5 लाख में ही खरीद पाऊंगा। उसी तरह एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं पुट ऑप्शन, जहां पे अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे लैंड के भाव अभी 5 लाख रुपए है और वो शायद 1 लाख हो जाए, ठीक है, तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूं जिससे मुझे एक राइट मिलता है कि आगे जाके भाव कुछ भी हो मैं अपनी लैंड को 5 लाख में बेच पाऊंगा। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आप इन दोनों ऑप्शंस का, जो एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है, अगर आपको HDFC बैंक के, ठीक है, शेयर खरीदने हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, 1 मंथ डाउन द लाइन, लेट्स से आज इसके भाव 1200 है, ठीक है, और आगे जाके इसके भाव 1500 होने वाले हैं, ठीक है, तो आप एक स्टॉक का कॉल ऑप्शन में एंटर कर सकते हो जहां पे आप एक ऑप्शन बायर हो, कॉल ऑप्शन को आपने खरीदा है, ठीक है, और आपको राइट मिलती है कि आगे जाके भले इसके भाव 1500 हो, 1800 हो, 2000 हो, लेकिन आप इस
स्टॉक को 1200 रुपए में खरीदोगे, ठीक है, और अगर 1200 से भाव नीचे हो गया तो आप क्या बोलोगे, मैंने तो ऑप्शन खरीदा है, मैं तो उसे कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है? तो यू विल ओनली एक्सरसाइज एन ऑप्शन ओनली इफ इट इज बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। अभी एचडीएफसी बैंक का जो एग्जांपल है, इसको आप रिलेट करिए एक मूवी के एग्जांपल से। समझिए आपका फेवरेट एक्टर है कार्तिक आर्यन, उसकी मूवी आ रही है भूल भुलैया 2, जिसे आप कहां देखोगे, पीवीआर या एडलैब में। तो आपने मंडे का शो ले लिया है कि मंडे को रात को 9 बजे, नाउ यू हैव बॉट अ टिकट टू वॉच भूल भुलैया 2 एट पीवीआर। तो इसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है जिससे आपको राइट मिलता है कि आप 9 बजे पीवीआर पे भूल भुलैया 2 देख सकते हो। लेकिन मंडे को क्या होता है, 8:30 बजे आप एकदम तैयार हो गए और आपको मालूम पड़ता है कि आपके इलाके में ही, आपके इलाके में ही कार्तिक आर्यन आ रहा है भूल भुलैया 2 के प्रमोशन में। तब आप क्या करोगे, आप कार्तिक आर्यन को रूबरू मिलना चाहोगे या थिएटर में जाके उसकी मूवी देखना चाहोगे? ऑब्वियसली आप उसको मिलना चाहोगे, करेक्ट? सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू वोंट गो टू द मूवी। तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं किया। बट अज्यूम कीजिए कि पीवीआर बोलता है नहीं यार कार्तिक आर्यन आ रहा है तो मेरा मन नहीं है कि मैं आप लोगों को मूवी दिखाऊं, क्या पीवीआर ऐसा कर सकता है? नहीं, ठीक है। सो आप जब एक मूवी का टिकट खरीदते हो तो आप बेसिकली उस ऑप्शन बायर की तरह हो या वो एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाले हो और पीवीआर ने आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, और एज अ मूवी गोवर किस तरह आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया एज पर योर बेनिफिट्स, दैट्स हाउ एन ऑप्शन बायर और अ कॉन्ट्रैक्ट बायर इंटरैक्ट्स इन द मार्केट, ठीक है। अब उसी तरह समझिए आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर पड़े हैं, ठीक है, 1200 रुपए में, लेट्स से आपके पास 1000 शेयर है, ठीक है। अब आपको डर है कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत खराब है, जो अभी ऑब्वियसली थोड़े खराब है, और आपको लग रहा है कि शायद ये शेयर आगे जाके 600 रुपए गिर जाए, 50% ड्रॉप आ जाए। तो अब ऑब्वियसली आप अपने आप को इस चीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक एचडीएफसी बैंक के पुट ऑप्शन में एंटर कर सकते हो, जहां पे आप ये राइट ले सकते हो कि मेरे पास जो शेयर है 1000 शेयर, ठीक है, मैं इसको 1200 रुपए में बेचूंगी, भले उसके भाव 800 हो, 600 हो, 400 हो, 300 हो, कि जीरो हो जाए, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करते हो, आप एक टोकन अमाउंट पे करते हो, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस को समझा है कि एक ऑप्शन क्या होता है, कितने टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। ऑप्शंस जो है वो बहुत सिमिलर है उस लैंड के कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदता है और एक कॉन्ट्रैक्ट को बेचता है, जहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है उसके पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा एज पर हिज बेनिफिट्स। लेकिन जिसने कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, उस एग्जांपल में राम जिसे लैंड बेचनी है, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, पीवीआर उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसको आपको अलाउ करना ही पड़ेगा मूवी दिखाने के लिए, और आप एक वो मूवी गोवर हो, ठीक है, जिसने ऑप्शन खरीदा है कि आपके पास राइट है कि आप वो मूवी में जाओगे या नहीं जाओगे। सो यहाँ पे हमने बेसिक ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी को डिटेल में समझ लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो टू समराइज, इसको शॉर्ट में अगर हम कहें तो कॉल ऑप्शन हम तब लेंगे जब हमें लगता है कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ने वाली है, एंड पुट ऑप्शन में हम तब एंटर करेंगे जब हमें लगता है कि जो अंडरलाइंग एसेट है वो नेगेटिव साइड पे जाने वाला है, इज दैट राइट? करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप क्या करोगे, आप रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदोगे। व्हाई कॉल ऑप्शन? बिकॉज इट गिव्स यू अ राइट टू बाय समथिंग एट अ प्री डिफाइंड प्राइस, ठीक है। बट समझो अब आपके पास रिलायंस अगर आपके पोर्टफोलियो में है और अगर आपको लग रहा है इसके भाव नीचे जाने वाले हैं, अभी भाव 2500 है, ये शायद नीचे जाके 1500 भी हो जाए, ठीक है। तो अब इस केस में आप अगर पुट ऑप्शन में एंटर करते हो तो आपको राइट मिलती है कि भले कुछ भी भाव हो आगे जाके, आप इसमें एंटर करके अपने लॉसेस से आपको अपने आपको प्रिवेंट कर सकते हो, और जिसके लिए आप क्या देते हो, एक टोकन प्राइस, सिंपल। आई होप ये सब पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं अभी तक। ओके, अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो डू लेट मी नो। ठीक है, दिस इज क्लियर। ओके, परफेक्ट, गॉट इट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में ये समझेंगे कि कैसे ऑप्शंस बिहेव करते हैं, कि ऑप्शंस जब आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस किस तरह काम करते हैं, एक स्टॉक का ऑप्शन क्या होता है, कितने अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, ये सब हम समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। Make sure that you also click on the notification bell ताकि आपको notification आ जाए जब भी हमारा next video आए। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय जय हिंद। Thank you so much guys.